वेलकम टू ईशानी वीडियोस। कुमकुम भाग्य का आज का एपिसोड तो आपने देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप जी टीवी और जी फाइव ऐप डाउनलोड करके कभी भी और कहीं भी एपिसोड देख सकते हैं। आने वाले एपिसोड में अभी और प्रज्ञा और बाकी सभी लोगों के ऊपर एक नई मुसीबत आने वाली है। प्रज्ञा काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से अपने बिजनेस को आगे तो बढ़ा रही थी, लेकिन उसके बीच में अब यहाँ पर आएगा गौतम और सबसे बड़ा यहाँ पर प्लान लेकर आएगा, जिससे कि अब यहाँ पर प्रज्ञा उसके बाहों में आ जाए। लेकिन यहाँ पर क्या मुमकिन है या फिर नहीं, उसके बारे में आपको बताएंगे, और साथ ही साथ अभी के फैमिली के ऊपर सबसे बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम टूटने वाली है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें एप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहें। आप सबको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि किस तरह से अब यहां पर प्रज्ञा और काफी ज्यादा गौतम के बीच में बातें होंगी और प्रज्ञा को गौतम से यहां पर माफी मांगनी पड़ेगी। और वहीं दूसरी तरफ अभी के फैमिली के ऊपर एक बार फिर से सबसे बड़ी गाज गिरने वाली है, क्योंकि उसके घर पर एक बार फिर से पुलिस दस्तक देगी, और पुलिस यहां पर किसी और नहीं बल्कि उसके पड़ोसी की वजह से आएगी। और आखिर में यहां पर एक बार फिर से सबसे बड़ा इल्जाम लगने वाला है पूरे घर के ऊपर, और यहां पर एक बार फिर से आलिया का एक नया और इविल प्लान सामने आएगा। बात करें रणवीर और प्राची की, तो रणवीर और प्राची भी यहां पर काफी ज्यादा इमोशनली ब्रेकडाउन होते हुए नजर आने वाले हैं अपने यहां पर फैमिली को लेकर, कि आखिर में उसके फैमिली के मेंबर सभी उसके साथ में ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अब धीरे धीरे करके अब ओपन अप होते हुए नजर आने वाली है आलिया, जिसे देखकर आप चौंकने वाले हैं। लेकिन अब तब क्या होगा जब यहां पर आलिया और गौतम दोनों हाथ मिलाएंगे, वो भी प्रज्ञा को नीचे गिराने के लिए और एक साथ में गौतम को यहां पर प्रज्ञा सौंपने के लिए, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन अब आप सब तैयार हो जाइए एक नए ट्रैक को देखने के लिए, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सबके लिए। तो कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं ये खबर सुनकर कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, और भी रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए। थैंक यू।